दो दिन से भूखी लोमड़ी भोजन की तलाश करते करते थक कर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गई। कुछ देर बाद उसी पेड़ पर एक कौवा आकर बैठ गया। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी रोटी के टुकड़े को हासिल करने के लिए एक उपाय सोची। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे भाई तुम बहुत सुंदर दिखते हो, तुम्हें पता नहीं तुम इस विश्व के सबसे सुंदर पक्षी हो। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा खुशी से फूला न समाया किंतु वह चुप रहा। लोमड़ी फिर बोली, कौवे भाई तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है, काश मुझे तुम्हारा गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। अब कौवे से रहा न गया, वह मारे खुशी के गाना गाकर लोमड़ी को सुनाने के लिए जैसे ही मुंह खोला उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी भी इसी ताक में थी, वह झट से रोटी का टुकड़ा लपक कर वहां से चलती बनी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चापलूसों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोस्तों ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें।